आइए पुनः मैं संचालन की भूमिका में आता हूं। आदरणीय दयाशंकर शुक्ल हेमदत्ता जी का नाम मैं बचपन से सुना करता था, लेकिन यह सौभाग्य है कि मैं आज उनसे आशीर्वाद देने के लिए प्रतापगढ़ आ पाया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, प्रतापगढ़ के वो गौरव जो कवि सम्मेलनों के भी मंचों के भी गौरव है, उनके काव्य शिल्प और साहित्यिक सफर के बारे में अगर बताने लगूंगा तो ये रात छोटी पड़ जाएगी और मेरे कंठ में शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं कुछ प्रकाश नहीं डालना चाहता। आपके गौरव है, आप जानते हैं उनके बारे में, और उनके बारे में कुछ भी बताना वो सब कम हो जाएगा, इसलिए मैं केवल दो पंक्तियां जितना उनके बारे में कह सकता हूँ समेट करके उनके चरणों में रखता हूँ और आपकी तालियों के सहारे उनका निवेदन स्वीकार करें। वो मेरा और आपका भी निवेदन स्वीकार करें और आए दादा आशीर्वाद देने के लिए कि तजुर्बे बुलाइएगा हेम दादा को आशीर्वाद देने के लिए कि तजुर्बे मेरे पास जो कुछ है मैं उनको निवेदन करता हूँ कि तजुर्बे उम्र के सुनकर गजब का जुनून मिलता है, तजुर्बे उम्र के सुनकर गजब का जुनून मिलता है, ये वो बटवृक्ष हैं जिनकी छांव में दिल को सुकून मिलता है। आदरणीय हेमदत्ता, मामला पक्का है क्या? दत्ता के का यह बोल दरा, हाँ आप आशीर्वाद दे दें इनका। मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने भैया मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से आज साहित्यिक पर्व की शुरुआत हुई और इनकी समाज सेवा तो बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ। बहुत बड़े समाज सेवक हैं, सब है, लेकिन आज इनकी धार्मिक प्रवृत्ति और इनकी साहित्यिक अनुरागता को देखते हुए हम सिर्फ यही कहेंगे, इनको आशीर्वाद सुन कह रहे हैं कि चमकता रहे यश सदा इस गगन में, चमकता रहे यश सदा इस गगन में, दिशाएं करें याद जग जग मगाओ, चमकता रहे यश सदा इस गगन में, दिशाएं करें याद जग जग मगाओ, मधुर कीर्ति गाए पवन सर्वदा ही, मधुर कीर्ति गाए पवन सर्वदा ही, धरा पर सुमन की तरह मुस्कुराओ, धरा पर सुमन की तरह मुस्कुराओ। मित्रों, आप लोगों ने बहुत तालियां बजाई, मेरी कविता में ताली उली बजाई नहीं है, मैं कविता नहीं यथार्थ कल्पना नहीं है कि जब बापू के सपनों को बस नारा समझा जाए, यहाँ नजोग बर बैठे हुए हैं, जब बापू के सपनों को बस नारा समझा जाएगा, बेरोजगार नवजुगों को आवारा समझा जाएगा, जो शासन का समझेगा नवजुगों की मजबूरी को, उस शासन को युगों का हत्यारा समझा जाएगा, उस शासन को युगों का हत्यारा समझा जाएगा। जिसको देखिए नवजुगों को चाहिए, नवजुग हमारे देश के भविष्य है, लेकिन नवजुगों के सामने समस्या क्या है? एक बेरोजगार नवजुग के सामने समस्या क्या है? रुग्ण पत्नी, पुत्र का कंकाल या भूख से दम तोड़ते माँ बाप देखे, रुग्ण पत्नी पुत्र का कंकाल या भूख से दम तोड़ते माँ बाप देखे, यदि वो बेकार है इस देश के सिर्फ रोटी के सिवा क्या खाक देखे, यदि वो बेकार है इस देश के सिर्फ रोटी के सिवा क्या खाक देखे। मित्रों, मैं कविता चूंकि भीड़ नहीं रह गई है, यदि मैं जानता हूं कि 100-500 के नोट चले गए हैं, अब 2000 के नोट यहाँ बचे हुए हैं, इसलिए कविता सुनाने की तबीयत कह रही है। मेरी कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कहता है कि लाखों लोगों की रोजी रोटी मैं चला रहा हूँ, लाखों लोगों की रोजी रोटी मैं चला रहा हूँ, लाखों लोगों की रोजी रोटी मुझे हटाने के लिए चल रही है, अब मुझे हटाने के लिए बात कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी है कि लाखों लोगों की रोजी रोटी मैं चला रहा हूँ, लाखों लोगों की रोजी रोटी मुझे हटाने की चल रही है, उसके बाद लोग मुझे पीछे पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार कहता है आपसे, क्या कहता है कि मेरे जन्म तुम्हारे शोषण में गहरे संबंध है, मेरे जन्म तुम्हारे शोषण में गहरे संबंध है, लाखों का पोषक हूँ तो फिर क्यों पहरे प्रतिबंध है, मेरा जन्म हुआ जब आया अय्याशी का ज्वार था,
मेरा जन्म हुआ जब आया अय्यासी का ज्वार था, नमक हरामी का पहनाया स्वार्थों ने गलहार था, नमक हरामी का पहनाया स्वार्थों ने गलहार था। तो छल प्रपंच मिल करवा डाले, छल प्रपंच मिल करवा डाले, पापों से अनुबंध है मेरे जन्म तुम्हारे शोषण में गहरे संबंध है। कहता है क्रोध अहंगर काम लोभ का तब मैंने जयगान किया, क्रोध अहंगर काम लोभ का तब मैंने जयगान किया, तो आगे बढ़कर व्यभिचारों ने मेरा है सम्मान किया। दया धर्म है अस्त्र हमारे, देखते होंगे जितना भ्रष्टाचारी होते हैं निहायत दयालु, निहायत बात करने वाले होते हैं, तो एक है दया धर्म है अस्त्र हमारे, स्वार्थ हमारे बंधु है, मेरे जन्म तुम्हारे शोषण में गहरे संबंध है। बात है दादा, वाह कहता है, वाह दादा, अरे एक बार जोरदार, ठीक कहता है, योधा संत पुरोहित ज्ञानी, योधा संत पुरोहित ज्ञानी दिख रहे सहने सारे मेरे सामने, योधा संत पुरोहित ज्ञानी दिख रहे सहने सारे, अर धर्म हटा निज नीति भेज दी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, धर्म हटा निज नीति भेज दी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, तो हर सांसों में हर धड़कन में मेरे अब प्रतिबिंब है, मेरे जन्म तुम्हारे शोषण में गहरे संबंध है। कहता है कि गुलजारी लाल नंदा और शास्त्री जी मुझे हटाने के लिए बहुत प्रयास किए, मोदी जी मेरे हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे मिटाने की मत सोचो, भ्रष्टाचार कह रहा है, मुझे मिटाने की मत सोचो मिट जाओगे हार कर, मुझे मिटाने की मत सोचो मिट जाओगे हार कर, अरे जाने कितनी बार प्रयासों ने अरोया द्वार पर, जाने कितनी बार प्रयासों ने अरोया द्वार पर, मुझे देख कर आज न्याय के हर दरवाजे बंद हैं, मेरे जन्म तुम्हारे शोषण में गहरे संबंध है। लास्ट में कहता है कि आशातीत सफलता पाई निज को तुमसे जोड़ कर, आशातीत सफलता पाई निज को सबसे जोड़ कर, ऐसी जनता और देश को कैसे जाऊं छोड़ कर, ऐसी जनता और देश को कैसे जाऊं छोड़ कर, हम भी इस जनता के, हम भी तो इस जनता के एहसानों के पाबंद हैं, मेरे जन्म तुम्हारे शोषण में गहरे संबंध।